देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां पर कोरोना बेकाबू हो गया। योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चे पर उतरे, अस्पतालों पर मरीजों को भर्ती ना करने से सीएम योगी नाराज। यूपी के अस्पताल कोरोना मरीजों को भर्ती करने से कर रहे थे इनका। मरीज भर्ती ना करने पर होगी एफआईआर। बैकुंठ धाम शमशान घाट को कवर कराया गया, लखनऊ नगर निगम ने कराई बैरिकेडिंग। यूपी में बेकाबू हुआ कोरोना, अस्पतालों पर मरीजों को भर्ती ना करने से सीएम योगी नाराज। यूपी के अस्पताल कोरोना मरीजों को भर्ती करने से नहीं कर सकते इनकार। मरीज भर्ती ना करने पर होगी एफआईआर। बैकुंठ धाम शमशान घाट को कवर कराया गया, लखनऊ नगर निगम ने कराई बैरिकेडिंग। यूपी में कोरोना बेकाबू हो गया है, योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चे पर उतर गए हैं। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती ना करने से सीएम योगी नाराज हैं। यूपी के अस्पताल कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इनकार अब नहीं कर सकते हैं। मरीज भर्ती ना करने पर एफआईआर दर्ज होगी। सभी बैकुंठ धाम शमशान घाट को कवर कराया गया है। चिता जलाने में अव्यवस्था की खबरें आई थी, लखनऊ नगर निगम में बैरिकेडिंग कराई गई। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब जो शमशान घाट पर चिता नहीं जलाई जा रही थी और मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा था, अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। अब मरीजों को भर्ती करना होगा और यूपी के अस्पतालों में कोरोना मरीज को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकते। यूपी में कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चे पर उतर आए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।